सुपौल सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 में भीषण आग लगने की वजह से कई घरों में आग फैल गई। पछुआ हवा के कारण आग फैल गई है, जिससे कई घर आग की चपेट में आ गए हैं। आगे की खबर जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज। सुपौल सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 में भीषण आग लगने की घटना घटी है, जिससे कई घरों में आग फैल गया है। पछुआ हवा के कारण आग फैलती गई है, जिसके चलते कई घर आग की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि सूचना पर दमकल की कई गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का आलम है, पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। लोग किसी तरह घर से सामान भी निकाल रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 10 और 11 में आग लगने की घटना घटी थी, जिसमें करीब 100 से अधिक घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गया। तो वहीं फिर आज घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 में भीषण आग लग जाने से 200 घर के करीब जल जाने की सूचना मिल रही है। कितना घर जला है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 200 घर से ऊपर आग की चपेट में है और दमकल की कई गाड़ी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इधर वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद इशा अपने घर को जलते देख बेहोश हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा उठाकर खुले मैदान में ले गए और उनका उपचार किया गया। वहीं इस मौके पर युवा राजद के जिला अध्यक्ष अनुज कुमार आर्य उर्फ लव यादव ने कहा, यह जिला के मुख्यालय है, इसके बावजूद अग्निशमन वाहन में पानी आधा रखा जाता है और समय पर नहीं पहुंचने से काफी कठिनाई होती है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब्दुल कैस ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की आग लगी की घटना चिंगारी से लगी थी और सबसे पहले सुल्तान के घर में आग लगी, जिसके बाद पछुआ हवा के साथ आग अपने साथ पूरी बस्ती को जलाकर खाक कर दिया है। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीण और दमकल की मदद से शाम 3 बजे तक आग पर काबू पाया गया। 5 घंटे की इस आग लगी की घटना में आधे से ज्यादा गाँव जलकर खाक हो गया। देखिए, इससे पूर्व भी जो है यहाँ जो है भयानक आग लगा था, वो देखने का मंजर नहीं था। आज भी उससे ज़्यादा भयानक स्थिति है था यहाँ, और अभी है भी बहुत। यहाँ हमको लगता है 150-200 घर जल चुका है और यहाँ के प्रशासन कहीं न कहीं शिथिलता नज़र आया, इसलिए क्योंकि दमकल में पानी पूरे जिला में कहीं भी है, जो कि जो यहाँ भी मौसम है, मौसम के अनुसार दमकल में पानी भर के रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी भर के नहीं रखा जाता, आधा अधूरा रखता है और समय से नहीं पहुंच पाता है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है और यहाँ हमको लगता है लाखों नहीं करोड़ों की क्षति हुई है, और इस पर हम शीघ्र प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए, यही हम विनती करेंगे। घटना घटी, लगभग कितना घर इसमें जलकर रहा? 70+ घर। 70+ घर, ये कौन कौन वार्ड में लगा है? वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 7। आग क्या चीज से लगी थी? आग पता नहीं, अभी क्लियर पता नहीं, शॉर्ट सर्किट लोग कहा था। ये कितने बजे की घटना है? ये 2 घंटा पहले की बात है। 11 बजे थी। समय निश्चित नहीं बता सकते हैं। लगभग 11 बजे थी जी। आप अपना परिचय दें। मोहम्मद अब्दुल कैस, समाज सेवी। ऐसे ही बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए GBN24 न्यूज।